आज अच्छा खेले इसलिए जीते, बाकी दिन खराब खेले इसलिए हारे, सिंपल है। और क्रिकेट है, कभी आप हारते हैं कभी जीतते हैं, सो टुडे वाज हार्ड डे, वी वन द मैच एंड क्वाइट हैप्पी। ये शरद बड़ा मॉडेस्ट बोल रहे हैं, आज ये इनके कुछ प्लेयर्स जो नई जो मेन प्लेयर्स है वो आज पहुंच गए, तो इनको जरा सपोर्ट मिल गया। आप देखोगे कि इनके कीपर भी नहीं आए थे तो उन्होंने कीपिंग खुद कर ली, तो ये टूर्नामेंट में शरद ने बॉलिंग बैटिंग कीपिंग सब कर ली, जितना कोशिश करना खुद ने पूरा दम लगा दिया। मगर जब इनके आज मेन एक दो मेन खिलाड़ी आ गए तब उन्होंने बता दिया कि ये टीम कमती नहीं थी उन लोग की। लग फिटनेस पर कितना ध्यान रखते हैं शरद जी, क्योंकि तो ऐसा टाइम आ गया हर किसी को फिटनेस पर बहुत ही ध्यान। हाँ, ऑब्वियसली फिटनेस पर ध्यान रखना ही पड़ता है, एज एन एक्टर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप लंबी रेस का घोड़ा बढ़ें, ज़्यादा टाइम तक काम करें, तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है। आई डोंट बिलीव इन वो जो सिक्स पैक वाली बॉडी होती है, आई डोंट कंसिडर एज अ फिटनेस थिंग, बिकॉज वो एक फिल्म के लिए जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ आप बनाइए सिक्स पैक, अदरवाइज फिट रहिए, एक फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। मसल बना के अगर एजाइल नहीं है आप, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, झुक नहीं पा रहे हैं। सो हाँ, जैसे कितने फिट हैं देखिए, भले इनकी सिक्स पैक नहीं है, बहुत फिट है, आज भी अच्छे अच्छों को पानी पिलाते हैं ऐसे हैं। बट आई वुड वांट टू से दिस कि दिलीप, इट वाज अ फैंटास्टिक 4 days ऑफ प्ले, बहुत मजा आया। आई एम रियली सिंगल हैंडेडली दिलीप ने हैंडल किया है पूरा इतना बड़ा टूर्नामेंट, ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। हम लोग दोस्त हैं बहुत सालों से, 20 साल से करीब, एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर हिम, और अगले साल और भी बड़ा करेंगे और भी बेहतरीन करेंगे, तो मज़ा आएगा। ये तो इन्होंने तो बोल दिया कि अकेले किया है, मगर ऐसा इवेंट कोई अकेले होता नहीं है। ये जितने भी 70-80 एक्टर हैं, आई थिंक अगर एक ने भी मना कर दिया होता, एक भी पीछे हट जाता है तो पूरा इवेंट मेरा डामाडोल हो जाता। सब ने इतनी कोशिश की कि एक दूसरे को बोल के कि नहीं नहीं ये करना है, खेलना है, पूरा है, दिलीप को सपोर्ट करना है, इसी वजह से ही हुआ है। इतनी गर्मी में इन लोग ने दो दो मैच खेले, काला हो गया बहुत मारेगी बीवी मेरी, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, घर में सबसे काला मैं ही हो गया अब। बिल्कुल 26 तारीख से लुकिंग फॉरवर्ड, मैंने कोई शूटिंग नहीं ली बीच में अभी, सो एक महीना कोई शूटिंग नहीं करूंगा मैं सिर्फ मैचेस देखने वाला हूँ। एक्चुअली उसकी जस्ट बाद में मेरी फिल्म है तो मुझे प्रिपेयर करना है उसके लिए, तो कल से शुरू होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरे डायरेक्टर को चाहिए। सो आई थिंक अराउंड एंडिंग ऑफ IPL विल स्टार्ट द फिल्म, बट अभी तो एंजॉय करूंगा पूरा IPL। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो एक्चुअली आज टूर्नामेंट का हमारी टीम का फाइनल मैच था, लास्ट मैच था, तो आज हम लोग जीते हैं, बाकी सारे मैच हम लोग हारे हैं, तो काफ़ी खुश हूँ मैं, क्योंकि मैं पहला मैच खेल रहा था अपनी टीम के लिए और वो जीत गए हैं। आई होपफुली अगर मैं सारे मैचेस में होता तो शायद टीम का माहौल कुछ और होता, नॉट बिकॉज ऑफ मी बट द एनर्जी आई पुट इन द ग्राउंड इन द गेम, और तो मेरे को मज़ा आता है ग्राउंड में, तो इसलिए और काफ़ी अच्छा खेले हम लोग, मज़ा आया मेरे को आज। आई थिंक फिटनेस मेरी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिटनेस, क्योंकि अगर हम फिट नहीं रहेंगे तो हम किसी भी चीज़ में कुछ भी एक्टिवली नहीं कर पाएंगे, अपना 100% नहीं दे पाएंगे, इंजरीज हो सकती है खेलते हुए। तो जितना मैं सबको बोलूँगा कि फिटनेस पे ध्यान दें, अपने डाइट पे ध्यान दें, सब चीज़ें खाएँ, लेकिन हर चीज़ एक्सेस में करना थोड़ा बुरा होता है, तो फिटनेस भी करें, इंजॉय भी करें और ध्यान दें ताकि अपनी बॉडी जो है वो लंबी रेस का घोड़ा बने, ना कि छोटी रेस का घोड़ा, तो यही मोटो है। नागिन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नागिन के बारे में यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा चल रहा है शो, ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है, सारे किरदार बहुत अच्छे लग रहे हैं शो में, और सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, ऑल ओवर कंट्री से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि हम और ज़्यादा अच्छे एंटरटेनिंग ड्रामा लाइक बहुत अच्छे एपिसोड्स बनाएं और ऑडियंस को जितना जो चीज़ पसंद आ रही है उसको वो चीज़ प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।